अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमाज व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वनीला केक रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी वीडियो के दौरान मैं बहुत सारे टिप्स आपसे शेयर करूँगी जो इस रेसिपी को बनाने के लिए, जो बेस्ट केक को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं वनीला केक रेसिपी। ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो आसानी मिल सके। वनीला केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, जिसके मैंने जर्दी और सफेदी अलग कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिया है 1 कप आइसिंग शुगर, या फिर आप चीनी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 2 पिंच नमक, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून वनीला एसेंस। इसके अलावा मैं इसमें यूज़ करूँगी 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले मैं एक बाउल में अंडे की सफेदी को ले लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी ऐड करती जाऊंगी और इसे बीट करती जाऊंगी। इसे मैं उस वक्त तक बीट करूंगी जब तक कि ये फ्लूफी टाइप पर ना हो जाए बिल्कुल। खट्टे कोई भी चीज आप इसमें शामिल नहीं करें कभी भी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा बीट होगा और बहुत ही फ्लूफी सा हो जाएगा और आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। इसे मैं उस वक्त तक बीट करूंगी जब तक कि ये फ्लूफी ना हो जाए। यह अब मैं इसमें अंडे की जर्दी ऐड करूंगी और इसे मजीद बीट करूंगी। करके मैदा ऐड करूंगी और बीट करती जाऊंगी। इसी तरह से हर थोड़ी देर में मैं मैदा ऐड करूंगी। कर दिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर और नमक डाल के मजीद से बीट करूंगी। 5 टेबल स्पून ऑयल की शामिल करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है मुझे और साथ ही इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दूँगी और अब मैं इसे थोड़ी देर और बैटर मेरा बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर इसमें बटर पेपर लगा दिया है, नीचे ऑयल लगाया है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, वरना मैंने ये लगा दिया है। तो मैं इसमें ऑयलिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। चारों तरफ से अच्छी तरह से मैं ऑयलिंग कर लूँगी ताकि ये चिपके नहीं। बहुत ही अच्छा सा बेक हो। कुछ सेट हो जाएगा ये। ऑलरेडी मैं चूल्हे पे रखी हुई हूँ, ये बिल्कुल हीटअप हुआ है, गर्म है ये। अब मैं इसमें आइस स्टैंड रखूंगी और साथ ही मैं अपना ये केक का मैटर इसमें रख दूँगी। इसे ढक्कन बंद करके मैं बनाऊँगी। तकरीबन 35 से 40 मिनट्स लगेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में इसे रेडी करना है।
तकरीबन 45 to 50 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैं इस केक को चेक कर लेती हूँ। ये देखें, बिल्कुल स्टिक में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये कम्प्लीटली बेक हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इस बात का ख्याल रखिए कभी कभी थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है। अब मैं इसमें बटर पेपर जो लगाया था मैंने, वो मैं निकाल लेती हूँ। और अब जो है ये अभी क्योंकि बहुत गर्म है सो मैं फौरी तौर पे इसमें क्रीम नहीं लगाऊंगी, 3 से 4 घंटे के लिए मैं केक को रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये बेक हुआ है और ये देखिए नरम कितना है, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब मैं इसे स्पंज बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे बीच से कट करूँगी और कट करने के लिए मैंने नाइफ का इस्तेमाल करना है। और सही अगर कटिंग करनी है आपने तो नाइफ को आप जो है बिल्कुल गर्म पानी में डीप करें पहले, ज़्यादा देर नहीं, 2 सेकंड, उसके बाद आप उसे केक की कटिंग करें तो वो बहुत ही अच्छा कट होता है। इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ईजली और आराम से उस समय कट हो जाएगा। अब मैं केक के लिए क्रीम ट्रीट करूँगी, व्हिपिंग क्रीम मैंने लिया है और इसे सबसे पहले मैं शेक कर लूँगी अच्छी तरह से, इसके बाद मैं इसे बीट करूँगी। अच्छा, मैं ये 500 ml है, मैं इसका हाफ ही लूँगी, वो मेरे लिए काफ़ी होगा 2 पाउंड के केक के लिए। और जिस बर्तन में आप जो है बीट करें उसके लिए ज़रूरी है कि आपका बर्तन बड़ा होना चाहिए। ये इतना क्रीम बहुत है, मैं इसे अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। क्रीम मेरी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसे चम्मच में उठाएं और उल्टा करके देख लें, क्रीम अगर नहीं गिर रही है तो ये परफेक्टली बीट हो चुकी है। मैं इसे केक पर अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें जो है शीरा तैयार करके रखा है मैंने, चीनी पानी और 1 स्पून मिल्क शामिल किया है इसमें। अब मैं इसमें केक पे मैं ये अप्लाई करूँगी पहले अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना, कर दिया है। अब मैं इसमें हल्का सा एक लेयर क्रीम का भी लगाऊँगी क्योंकि ये बीच वाला स्टेप है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्रीम नहीं लगाऊंगी। दूसरा स्टेप केक का स्पंज का रख चुकी हूँ और इसमें भी मैं इसी तरह से पहले शीरा शामिल कर दूँगी, अच्छी तरह से क्रीम ऐड करूँगी और सही से इसे फैला दूँगी क्योंकि ऊपर की लेयर है तो थोड़ी सी मोटी क्रीम मैं लगाऊंगी यहाँ पे। मैं इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग कर लूँगी, मैंने यहाँ पर चॉकलेट्स लिए हुए हैं, इसके अलावा मैंने चॉकलेट्स पाउडर्स भी लिए हुए हैं। अब मैं इस पर थोड़ी सी सजावट कर दूँगी। आप चाहें तो नूडल्स इस्तेमाल करके केक के लिए जो नूडल्स आते हैं क्रीम यूज़ करने के लिए उससे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इस पर, बट मैं बिल्कुल सिंपल केक चाह रही थी आज बनाना सो मैंने इस तरह से बस हल्का सा मैंने चॉकलेट्स दिए हैं। साथ ही मैं चॉकलेट पाउडर का इस पर डस्ट कर दूँगी हल्का सा। यम्मी टेस्टी डिलीशियस वनीला केक बिल्कुल रेडी है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें।
आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।